नमस्कार साथियों, मैं मंजीत कुमार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया। दोस्तों, बात करूंगा कि आज मैं फिर से आ चुका हूं महापुर क्षेत्र में, अतरसुआ क्षेत्र में। ये जो क्षेत्र था ये पहले पंचायत में था, लेकिन अब ये नगर में आ चुका है, यानी कि नगर वार्ड में आ चुका है। और यहाँ पर कई प्रत्याशी अपने आप को उम्मीदवार के रूप में खड़ा कर रहे हैं, और इस बार नगर वार्ड का चुनाव होगा, उसमें अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच पहुँचा हूँ फिर से एक प्रत्याशी से मिलने के लिए, जो इस क्षेत्र में नगर वार्ड प्रत्याशी के रूप में उभर रहे हैं, और इनका पोस्टर भी छपा हुआ है अपने मोहल्ला में, अपने नगर में लगवाए हुए हैं, जिनका नाम है महावीर शाह जी। और इस बार ये नगर वार्ड के रूप में चुनाव लड़ेंगे, वार्ड प्रत्याशी के रूप में इस बार आ चुके हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि इनका सोच, इनका उद्देश्य और इनका मनसूबा क्या है चुनाव लड़ने का, आखिर ये चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, अपने इस नगर वार्ड में आने का प्रक्रिया क्या रहा इनका। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे, बहुत बहुत बधाई आपको। आपके भी स्वागत है, धन्यवाद। ये बताइए कि महावीर जी, चुनाव आप लड़ने वाले हैं जी, आपका पोस्टर देख रहे हैं कि आपका नगर में सभी जगह लग गया है, आप सबको शुभकामनाएं दे रहे हैं जी जी। तो ये जो आपका जो क्षेत्र है, पहले पंचायत में था, पंचायती राज में था, लेकिन इस बार पंचायती राज का चुनाव हुआ था, उसमें चुनाव नहीं हो पाया, लेकिन अब इस क्षेत्र को नगर में सम्मिलित कर लिया गया है जी। तो क्या कि आने वाले कल में आप चुनाव तो लड़ेंगे ही, आपका मन है चुनाव लड़ने का, जो मन है अपने मन से लड़ेंगे या अपनी जनता के रुझान से लड़ेंगे, आखिर इसका उद्देश्य क्या है चुनाव लड़ने का, किस प्रकार चुनाव लड़ेंगे आप? पूरा जनता के सेवा के लिए हम लड़ रहे हैं। हाँ। जो विकास वाला काम है ना। हाँ। वो जो हम हमारे देखने में। हाँ। रुक जा रहा है, साहब ने रोक दिया जाता है। हाँ। जो घर जो पास होता है वो पास नहीं होता है। अच्छा, जो है बीपीएल कार्ड है, राशन वो नहीं बनता है, नहीं बनता है। यानी आप कहने से मतलब ये हुआ कि आपके क्षेत्र में, आपके जो ये मोहल्ला है, इस मोहल्ले में कोई भी काम तरीके से नहीं होता है, जैसे कि राशन कार्ड बोल रहे हैं आप, जब कॉलोनी बोल रहे हैं, ये पास नहीं हो पाता है, नहीं हो पाता। तो क्या लगता है कि आपके आने से ये पास हो जाएगा? ना, हमको आने से पास नहीं होगा, लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो जहाँ से पास होता है वहाँ वहीं हम लड़ेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, हक का दिलवाएंगे, गरीबों को हक दिलवाएंगे, जो जरूरत है उसको हक दिलवाएंगे। घर को जो पास हो रहा है उसको पैसा नहीं आ रहा है, लेटरिन कितना आदमी को नहीं बना हुआ है उसको हम बनवाएंगे। तो मतलब ये जो आप सोचे कि तब इस तरह से सोचे कि भाई अपने वार्ड में, अपने क्षेत्र में ये नहीं हो रहा था, बनवा देंगे, जीतेंगे तो। हाँ, जीतेंगे तो सभी आदमी, जितना देशवासी है सबको हम रक्षा करेंगे, जितना उसका कमी है सब हम पूरा करेंगे। तो ये जो चुनाव लड़ने का जो मन बना चुके हैं आप, चुनाव लड़ेंगे इस बार, लड़ेंगे नगर वार्ड में जी। पहले यह था आप क्षेत्र, पहले पंचायती में था, पंचायत में था जी, लेकिन अब ये आ चुका है म्युनिसिपैलिटी में, नगर वार्ड में आ चुका है जी। तो यहाँ पे बहुत सारे चुनाव लड़ने के लिए देख रहा हूँ कि 5-6 लोग अभी अपने आप को पोस्टर छपवा चुके हैं, सब अनाउंस कर दिए कि हम भी लड़ेंगे, उस प्रक्रिया में आप भी हैं जी। तो आपका क्या मतलब पोजीशन लग रहा है, आपका क्या धारणा लग रहा है? हमको धारणा लग रहा है कि हमारे समाज जितना है हमको मदद कर रहा है। आपका समाज आपको मदद कर रहा है जी। यानी कि आपके समाज के लोग कहें कि आप चुनाव लड़िए तो लड़ने के लिए आ चुके हैं, लड़ने के लिए तैयार हैं। ये बताइए कि अभी क्षेत्र जो महापुर क्षेत्र है, अभी महापुर से लगता है हाईवे के बगल में ही है आपका क्षेत्र, अगल बगल में देख रहे हैं बहुत सारे दलित बस्ती यहाँ पे ज्यादा रहते हैं लोग, तो यहाँ पे सबसे बड़ा समस्या क्या है लोगों को? सबसे बड़ा कल मैं आया था, कल यहाँ के लोगों से मैंने बात किया, ग्राउंड रिपोर्ट किया, तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे नाली का शौचालय का समस्या से घिरा हुआ मतलब लोग हैं। तो क्या लगता है कि आपको किस प्रकार की समस्या दिख रहा है? जी, ये तो नाला का बहुत यहाँ समस्या, बहुत अथी है, कठिनाई है। हाँ। जी, यहाँ जो नाला कहीं निकलने वाला रास्ते नहीं है। अच्छा, कहीं निकलने वाला रास्ता नहीं है? नहीं। तो हम सोचते हैं कि बुद्ध के सरकार को सुविधा मिले। हाँ। तो अरिया रोड खुना जाए, नाला को निकाल कर कहीं सुविधा अगर मिले तो वहाँ जगह पर हम कुछ को अथी करें। तो ये जो चुनाव आप लड़ेंगे, मान लीजिए चुनाव लड़ के जीत के आते हैं, तो उसका कुछ प्रोसेस पता है आपको कि चुनाव लड़ते हैं जीतते हैं तो उसमें कितना फंड आता है, फंड आने के बाद से कितने लोगों के बीच काम करना होता है, ये सब कुछ बताइए? अभी तो नया है सर, नया है तो हमको क्या मालूम है। हाँ। हमको मालूम, कोशिश कर रहे हैं आप, अब ढूंकेंगे तब उसमें हमको मालूम चलेगा पूरा, ऐसे ही बात है। तो अपने जनता से, अपने नगरवासियों से क्या चाहते हैं आप, किस तरह प्रकार उनसे अपील करते हैं कि आपको लोग वोटिंग करें, आपको जिताने का काम करें? हम बहुत दिन से यहाँ, हम शुरू से यहाँ कम गए नहीं किए हैं। अच्छा, शुरू से यहाँ पे हैं आप? आज तक हम पटना नहीं देखे हैं। अच्छा। हाँ। यहाँ से बचपन से आज तक हम यहीं रहते हैं।
यहीं रहते हैं। हाँ, जी। कहने का मतलब आपके कि आप अपने जनता के बीच रहते हैं। हाँ, बस। तो क्या उनसे हम चाहते हैं कि हमारा प्रार्थना है कि हमको सपोर्ट करें। हम उनको सब जितना अथी देना है सब हम दिलवाएंगे, जितना आपको में काम आएगा वो सब काम कराएंगे, सब कैसे काम कराएंगे, सब कराएंगे। मतलब जनता पे जी जी। मतलब आप एक सुने कि व्यवसायी के रूप में सम्मिलित हैं, व्यवसायी करते हैं, बिजनेस करते हैं, कुछ काम करते हैं, क्या करते हैं? हम लेबर काम करते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं। अच्छा, तो इसीलिए हम उठे हमारा जनता हमको चाहती है। तो आप मैंने जो आप समाज में मान लीजिए आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका टाइम इसमें देना पड़ेगा समाज को जी। तो आपका जो परिवार आपको सपोर्ट कर रहा है जी, भाई आपको समाज सपोर्ट करेगा भाई। अब मान लीजिए कि आप पहले अपना काम करते हैं, अब काम को छोड़कर फीस में लगेंगे लगेंगे तो भाई दौड़ धूप अपना टाइम देना पड़ेगा, देना देना दे सकते हैं जी, हम देंगे। तो जनता आपको समर्थन दे सकती है जी। अच्छा, ये बताइए कि जो चुनाव लड़ रहे हैं बहुत लोग अपने आप को समाजसेवी मानते हैं, आप भी अपने आप को समाजसेवी मानते हैं? कुछ अपने ऐसा कुछ समाज के लिए कुछ अपने काम किया, जैसे किसी को कुछ भी आवंटन देना, किसी को कुछ प्रोत्साहन देना, किसी को कुछ आगे बढ़ाने के लिए कुछ काम कराना, ये सब अपने कुछ करते हैं जी? हम तो बहुत सारे यहाँ रहते हैं, बहुत हम अपने गाँव के लिए बहुत अच्छे किए हैं, काम किए हैं। अभी गाँव नहीं रहा, नगर में आ चुका है, म्युनिसिपैलिटी, फिर भी म्युनिसिपैलिटी में आ चुका है, लेकिन फिर भी आप काम किए हैं? किए हैं, कोई भी यहाँ हमारे गांव के हैं चाहे म्युनिसिपैलिटी में है, जाकर पूछ लीजिएगा हमारे बारे में, सब बता देगा। अच्छा, तो यहाँ पे सबसे बड़ा आपका मुद्दा क्या है, आपका चुनाव लड़ने का मुद्दा क्या है? मुद्दा यहाँ है कि हमारे जो अथी बस्ती में है वार्ड में किसी आदमी को अथी वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है, घर जो पास होता है नहीं मिलता है, दूसरा बात कि नाला के यहाँ जगह नहीं है। हमारे पास अथी बोल रहा है पूरा हमारा समाज कि बुद्ध का नाला कहाँ गिरेगा, नहा नाला कहाँ गिरेगा, तो हम आप कहने से कहाँ नाला गिरेगा, आप बनवाए मतलब तो नाला बनेगा, नाला बनेगा किस तरह से बनेगा, अपने माइंड में किस तरह से बनेगा? तो हमारे कहने का मतलब कि जब सरकार जब भी सरकार जो विकास करेगी तो हमको मालूम नहीं करेगी कि बुद्ध का हेपर ले जाके बा, हेपर लिया के बा, कहाँ ले जाके बा, वो बता न, हम कैसे बताते वहाँ से, वहाँ वहाँ जब ढूकेब हम तब न हमारा पता चले कि बुद्ध क्या सरकार कैसे देती है रास्ता हमारे। चलिए, तो जनता के बीच आप रहते हैं जी, जनता से क्या अपील करेंगे आप नए साल के अवसर पे, आप क्या जनता को शुभकामनाएं देते हैं? अभी नए साल तो बीत चुके हैं, मान लीजिए नया साल चल रहा है, आज 7 जनवरी है, और इस क्रम में आप मान लीजिए कि बसंत पंचमी आ रहा है, मकर संक्रांति आ रहा है, बहुत सारे पर्व आ रहा है, होली पर्व आ रहा है, तो किस तरह से आप लोगों के बीच शुभकामनाएं देते हैं? सेव करो, सेव करो जी। जनता से क्या चाहते हैं, जनता को किस तरह से शुभकामनाएं देना चाहते हैं आप? जनता को किस तरह से शुभकामनाएं देना चाहते हैं आप? जनता को शुभकामनाएं देना चाहते हैं, 2022 है इसलिए हम दे रहे हैं कि सब हमारा समाज हमको सपोर्ट करे, हम उसको सपोर्ट कर दें, इसके लिए हम उसको शुभकामना में प्रणाम करते हैं। चलिए, धन्यवाद। आपका पूरा नाम? महावीर शाह। महावीर शाह जी। तो अच्छा, मान लीजिए कहीं आपकी अगर आपके क्षेत्र में आपके जो वार्ड में मान लीजिए अभी तो इस वार्ड का नाम नहीं घोषित हुआ है कौन सा वार्ड कितना रहेगा, लेकिन मान लीजिए कि वार्ड घोषित होने के बावजूद अगर यहाँ पे प्रत्याशी महिलाओं का सीट होगा तो फिर महिला में कौन उठेगा, आपकी पत्नी उठेगी, आपके परिवार से कोई उठेगा? ना, पत्नी हमारा है। अगर नहीं सीट महिला जनरल सीट रहेगा तो मतलब आप उठेंगे, ये आप कन्फर्म है को? जी। चलिए, धन्यवाद। तो साथियों, देखा हम बात किए, हम पहुँचे हुए थे महापुर क्षेत्र में, तो सुवा क्षेत्र में, और ये महापुर ये जो पहले गांव था अब आ गया है नगर वार्ड में, म्युनिसिपैलिटी थाना मतलब ये म्युनिसिपैलिटी में आ चुका है, नगर वार्ड में आ चुका है, और यहाँ पे कई प्रत्याशी अपने आप को दावेदार के रूप में खड़ा कर चुके हैं, यानी कि चुनाव लड़ने के लिए आ चुके हैं। उसी बीच हम एक प्रत्याशी से मिलने आए हैं और उनका नाम है महावीर शाह, उनसे हमने बात किया, उनका उद्देश्य उनका जाना इनका उद्देश्य है कि भाई अपने क्षेत्र में यहाँ के जो गरीबी लोग जीवन जीते हैं उनको सही तरीके से राशन नहीं मिल पाता है, राशन तेल नहीं मिल पाता है, उनको आवास का दिक्कत है, इंदिरावास दिक्कत है, कॉलोनी दिक्कत है, समस्या है, उस समस्या को दूर करेंगे। ये इनका मुहिम है कि समाज को अच्छा बनाना और समाज को आगे लेकर चलना। मैं चाहूँगा वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ इंडिया, कैमरा मैन रोहित के साथ नमस्कार।